हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मोबाइल पर। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मेरी तरह कॉल डिटेल निकालना, अपनी गर्लफ्रेंड की, अपने फ्रेंड की, या अपने रिलेटिव में किसी की भी कॉल डिटेल निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने निकाल रखी है पूरे महीने की कॉल डिटेल, अगर आप चाहते हैं पूरे साल की भी कॉल डिटेल निकाल सकते हैं, तो आपको इस वीडियो तक को लास्ट तक देखते रहना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको उसका जिसके भी मोबाइल में आपको करना है, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में करना है या अपने फ्रेंड के मोबाइल में करना है, तो उसमें SMS टाइप में करना होगा। 1 2 3 4 5 पर SMS कर देना होगा, ये लिख करके ई बड़े लेटर में, बड़े लेटर में टाइप कर लेता हूँ ई मेल आई डी इस तरीके से देख सकते हैं। फिर अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसे लिख करके अपनी आइडिया की सिम से देख। ये दोस्तों सिर्फ आइडिया की सिम से ही होगा, ये आइडिया की सिम की कॉल डिटेल निकलेगी इससे, और सेंड कर देनी है। जैसे मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ हूँ और मैं ईमेल आईडी रजिस्टर किया हुआ हूँ, और आप उसके 1 या 1.5 मिनट बाद अगर आप चाहते हैं उसकी कॉल डिटेल निकालना, तो बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर हो जाएगी, सिर्फ 1 ही मिनट में हो जाती है रजिस्टर। तो फिर अगर आपको चाहते हैं कि इसकी कॉल डिटेल निकालना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले आपको SMS टाइप करना होगा, और वही 1 4 2 3 4 5 पर SMS लिखना होगा, ई बड़े लेटर में बिल। और जैसे मान लो आप चाहते हैं अक्टूबर के निकालना या दिसंबर के निकालना, तो शुरू के उस महीने के 2 लेटर 3 लेटर लिख देने हैं। जैसे मैं निकाल रहा हूँ अक्टूबर की, तो ये ई बिल अक्टूबर ये सेंड कर देना है अपनी आईडिया की सिम से। उसके 1 या 1.5 मिनट बाद आपको एक मेल आएगा, जो आपने मेल रजिस्टर्ड किया है उस मेल पर देख सकते हैं। मैंने अभी सेंड किया था, मैंने लिखा था ईमेल अक्टूबर, अक्टूबर की मैंने निकाली थी, तो आपको तो फ़ौरन ही मेरे पास ईमेल आ चुका है। मैं दिखा सकता हूँ, दिखा रहा हूँ आपको कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास दोबारा दोबारा हम फ़ोन थोड़ी ना लेंगे उसका, तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों उसका भी रीज़न बताऊँगा आपको, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना होगा। यही बताऊंगा कि आपको उसके फ़ोन बगैर लिए ही बस एक बार फ़ोन ले लो, जो ईमेल आईडी रजिस्टर करना है, तभी भी बता दूंगा मैं आपको। बार बार SMS भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं मेरे ये पूरे महीने की कॉल डिटेल है, इसमें मैं इस सिम से मैं कॉल ज़्यादा नहीं करता हूँ, इसलिए ज़्यादा कॉल नहीं दिखा रहा है। और दोस्तों एक बात और बताऊँ आपको, अगर मिस कॉल भी करते हैं तब भी ये दिखा देता है। और आपने किसी को मिस कॉल की होगी आइडिया सिम से, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड ने किसी को मिस कॉल की होगी, तो वो तब भी दिखा देगा ये मिस कॉल का भी। दोस्तों देख सकते हैं, अब मैं बताता हूँ आपको ये करना कैसे है। जैसे आप आपके पास मेल आएगा, तो मेल में जाना है, मैंने मेल कर दिया है मेरे पास, मैंने इसलिए ताकि टाइम ना लगे, मैंने इसलिए पहले ही मेल कर दिया था 1 मिनट पहले ही, तो मेरे पास मेल आ चुका है एडेक प्रीपेड नंबर से, देख सकते हैं प्रीपेड इनवॉइस डाटा एक्टिविटी आदित्य बिरला की तरफ से, देख सकते हैं मैंने डाउनलोड की हुई है PDF फाइल। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल पे, मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, देख सकते हैं पूरे महीने की कॉल डिटेल है। मैं कॉल करता नहीं हूँ इसलिए ज़्यादा कॉल नहीं है, देख सकते हैं जितनी भी कॉल की हुई होंगी सारी कॉल आ जाएंगी। दोस्तों ये तरीका लीगल है, लीगल नहीं है कोई भी, पूरी आइडिया की तरफ से है ये। और अगर आप चाहते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उसका मोबाइल हमें बार बार ना मिले, एक ही बार मिले, तब क्या करना है, तो उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोलना होगा, कोई से भी ब्राउज़र हो चाहे, जैसे मैं अपना इंस्टेंट ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए दोस्तों। देख सकते हैं मैं अपना गूगल खोल रहा हूँ। अगर आपको उसका मोबाइल सिर्फ एक बार 1 मिनट के लिए मिल जाए, फिर आप अपने आप से ही उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हैं, उसके मोबाइल की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देख सकते हैं यहाँ टाइप करना है, आइडिया लॉगिन, सेंड
सेकंड वाले पे जो माई आइडिया ये कैलकुलेटर आता है इस पर ओके करना है। मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा वेट कीजिए, मैं ओपन होने देता हूँ साइट को ताकि डेट ना हो जाए। देख सकते हैं दोस्तों ये लॉगिन भेजा चुका है, यहाँ अपने नंबर टाइप कर देते हैं और आपको ये काम भी उसी वक्त कर लेना है ताकि आपको लॉगिन हो जाए। अब उस पर एक ओटीपी आएगा, जैसे मैंने अपना नंबर टाइप कर दिया है ओटीपी आएगा, ओटीपी भी इंस्टेंट आ जाता है। देख सकते हैं मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मेरे पास ओटीपी आया है 6132। देख सकते हैं लॉगिन कर रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा गलत हो गया, मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मैं अपनी आईडी से लॉगिन हो चुका हूँ, मैं अपनी आईडी में लॉगिन हो चुका हूँ। और आप अब अभी आपको यहाँ आना है ओवरव्यू, लॉगिन होते ही आप इस पेज पर आएंगे, ओवरव्यू पर ओके करना है। दिखना है माई रिक्वेस्ट, ये एक ऑप्शन आ रहा है देखो, माई ट्रांजेक्शन, माई प्रोफाइल, माई हिस्ट्री, माई रिक्वेस्ट पर ओके करना है। मैं रिक्वेस्ट पर ओके करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट कंप्लेंट्स, रिक्वेस्ट पे ओके रहने देना है, इस पर जाना है। ये लिख करके आएगा प्रीपेड स्टेटमेंट ऑन मेल तीसरे नंबर पर, इस पर ओके करना है और गो पर ओके कर देना है। इसके इंस्टेंट ही आपको मेल प्राप्त हो जाएगा, फिर वही जो दिखाया है मैंने वही कर लेना। तो दोस्तों आपने देखा मैंने कितनी आसान तरीके से आपको बतला दिया, आपको गर्लफ्रेंड का पता भी नहीं चलेगा और आपका सारे डिटेल निकाल लोगे आप। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में आप मुझे बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा। और अगर आप और सिम का चाहते हैं, किसी और सिम का, वोडा, एयरटेल, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका भी बना दूंगा आपके लिए एक पर्सनली वीडियो। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बगल में ये बेल आइकन आएगा इसको भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली और न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ, थैंक यू, बाय बाय।